हम लोग के साथ अभी बाकी हैं जिनका सिलेक्शन पीजीवीसीएल में जेई के पोस्ट पर हो रखा है। तो अभी सबसे पहले तो आपका जेई स्कोर में स्वागत है। पहली चीज ये बताइए कि आपको सिलेक्शन हो गया आपका, किस हिसाब से आपको लगा? अच्छा अच्छा अब एक बार आप थोड़ा बच्चों को एक बार बताइए, जरा पास्ट बताइए कि आप कब के पास आउट थे और किस हिसाब से आप लोग आपने पहले प्रिपरेशन की और आपको जेई स्कोर के साथ कब मिला? और वहाँ पर 6 महीने के लिए मैंने क्लासेस किया, फिर मेरा गेट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर प्राइवेट में जॉब कर रहा था और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा था। ठीक है। फिर मुझे मतलब मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी ऐसी, इसमें मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी कि कैसे प्रिपेयर करें इसका सर। तो फिर आपका कॉन्टेक्ट हुआ शायद अक्टूबर 2021 सितंबर अक्टूबर में हुआ था। और फिर आज हाँ, फिर आज भी याद है कि आज आपने मुझे आधे घंटे पे हमारी बात हुई थी कॉल पर और आपने मुझे सही से गाइडेंस दिया। फिर आप जो आप जैसे गाइड करते गए ऐसे मैं करता गया तो मेरा 8 महीने में सिलेक्शन हो गया मेरा। अच्छा, देखिए जैसा कि जितने बच्चे इस इंटरव्यू को देखेंगे, अभी अभी ने 2018 में अपने बीटेक किया था, उसके बाद अभी का 4 साल का बिल्कुल स्ट्रगलिंग फेज था। जैसे लोग हाथ जोड़ जाते हैं कि यार 3 साल 4 साल का स्ट्रगलिंग फेज होने के बाद कि सिलेक्शन होता नहीं है, उसके बाद अभी ने मुझको कॉन्टेक्ट किया था। और शायद जब अभी ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था शायद मेरे 1500 से लेकर 2000 सब्सक्राइबर थे। और जब अभी ने कॉन्टेक्ट किया था तो उसके पीछे का खाली एक रीजन था कि जो मैंने अपने इतने सारे रिजल्ट दिखा रखे थे, अभी को उसके ऊपर विश्वास था, जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता था। उसके बाद अभी ने मुझको फॉलो किया और इन्होंने मुझे 2021 में अक्टूबर के आसपास फॉलो किया था और 2022 में इनका पूरा एग्जाम वगैरह हुआ, डिले हुआ, प्रोसेस हुआ और फाइनली इनका 2023 के अंदर सिलेक्शन हुआ। अच्छा, अभी आप ये बताइए, जैसे कि आप इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने नाम लिया, आप एस एकेडमी से पढ़े थे, आप ऑलरेडी एस एकेडमी से कोचिंग कर रखे थे और बच्चा सोचता है कि यार जब हम इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं तो हमें दोबारा कोचिंग करने की क्या हो सकता है, तो ऐसा क्या आपने डिफरेंस देखा था या क्या आप लोग ने ऐसा यूट्यूब पर देखा कि आप मेरा OCMTQ बैच ज्वाइन किया था आपने, जितना मुझको याद है, तो ऐसा क्या डिफरेंस देखा कि आपने OCMTQ बैच भी ज्वाइन किया आपने? इसका नाम बड़ा है, मतलब वहाँ पर स्टूडेंट भी बहुत सारे आते हैं तो वहाँ पर फैकल्टीज क्या एक स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट पर ध्यान नहीं रख सकती, तो वो मतलब वो सबका एक साथ ही बता देते हैं। और आपके साथ जुड़ने से फायदा ये हुआ कि आप वन टू वन गाइडेंस दे सकते हैं कि आप स्टूडेंट के से बात करके आप पहचानते हो कि स्टूडेंट में क्या वीकनेस है, क्या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, तो उस हिसाब से आप उसको गाइड करते हो। तो वो गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ता है सिलेक्शन में कि आपको कैसे गाइडेंस मिल रही है। और सही गाइडेंस मिल रही है आपको कम टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा, वो बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता, वन टू वन गाइडेंस नहीं मिल सकती वहाँ पर। तो जेई स्कोर में जुड़ने के बाद मुझे मेन तो गाइडेंस सही मिला, कंटेंट सही मिला और कैसे प्रिपेरेशन करनी है उसका मुझे मतलब एक पाथवे मुझे मिल गया कि कैसे करना है, ठीक है, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आपने एस अकेडमी का भी आपने कंटेंट देखा और जैसे कंटेंट सबको लगता है कि यार ऐसा कंटेंट में क्या नया होगा, और जो आपने जेई स्कोर से पढ़ाई की तो आपने मेरा भी कंटेंट देखा, तो आपको कौन सा कंटेंट ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड लगा? और जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आप मेरी आपने वीडियोज़ भी की होंगी, बच्चे भी मुझसे बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं सर आप इतने कम वीडियोज़ में कैसे आप प्रिसाइज करवा देते हैं, तो उसका थोड़ा सा आप बता पाएंगे, थोड़ा बच्चों को क्लियर कर पाएंगे? डेफिनेटली सर, आपका जो कंटेंट रहता है वो टू द पॉइंट रहता है, कोई मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें नहीं रहती, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट है, बेसिक से वही आप पढ़ाते हो। तो और वो आपकी पढ़ाने के मेथड भी एकदम मतलब बच्चों को समझ आ जाए ऐसी है, एकदम लोकल लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, हम ऐसे फ्रेंडली सर के साथ इंटरेक्ट करके हम गाइडेंस ले सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कंटेंट में भी आप 300 एडवांस की भी बुक देखो तो वो भी एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं है कि पिछले साल हो गए वो ये रिपीटेड क्वेश्चन, उसमें सब नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे भी कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे अभी आपने आपने जेई स्कोर की त्रिशूल एडवांस की बुक ली थी और जेई शॉर्ट्स की बुक ली थी, तो जैसे आपने ऑलरेडी एस की बुक्स आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, आपने बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स भी देखी होंगी, तो त्रिशूल एडवांस में ऐसा क्या नया लगा कि जो उसने आपका सिलेक्शन में जो कॉन्फिडेंट होते कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको बूस्ट किया उसने? में सर आपकी जो थियोरी लेवल है वो एकदम इजी है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब बच्चा कोई एक बार पढ़े तो समझ में आ जाता है। और प्रैक्टिस के भी बहुत सारे क्वेश्चन है और आपको और प्रैक्टिस करनी है तो 300 एडवांस तो है ही, उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने एग्जाम में सिर्फ 300 एडवांस 2 बार मैंने कर ली थी पूरे सर और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे और उसी कॉन्सेप्ट पर बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी जो 300 एडवांस की और जेसर्ट्स की बुक है उसमें सब कवर हो जाता है। अच्छा ठीक है,
एक एक और मैं आजकल YouTube पे एक नई स्टाइल देख रहा हूँ कि लोगों को, बच्चों को ये बताया जाता है कि यार किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने के लिए आपको 1 से 2 साल लगता ही लगता है। मतलब बच्चा पहले 4 साल तो बीटेक कर रहा है, फिर 2 से 2.5 साल वो अपना प्रिपरेशन करता है, उसके बाद भी श्योर शॉट नहीं होता कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसके ऊपर क्या, कि क्या ये टाइम लगना जरूरी है बच्चे के लिए कि नहीं, 2 से 2.5 साल आपको देने ही देने हैं? मतलब 2 से 2.5 साल, मतलब उसने लगभग लगभग अपना 70,000 रुपये भी सैलरी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसका लगभग लगभग 2 से 2.5 साल में 18-20 लाख रुपये का उसने नुकसान कर लिया अपना। तो क्या आपको लगता है कि 4 साल बीटेक कर भी रहा है बच्चा, इतना पढ़ भी रहा है, इलेक्ट्रिकल भी कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको इस हिसाब की दिक्कत आ रही है? तो इतना कमजोर तो नहीं हो सकता बच्चा अगर उसने 4 साल बीटेक करा, उसको फिर 2 साल का टाइम चाहिए दोबारा? नहीं, 2 साल का टाइम तो नहीं लगता सर, क्योंकि 2 साल तो बहुत ज्यादा है। अगर आपको सही से गाइडेंस मिला, आप सही से फोकस, पूरे फोकस आप प्रिपरेशन करते हो, तो बस 6 से 8 महीने इनफ है कि आप 6 से 8 महीने में पूरी मेहनत करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अगर आपको सही गाइडेंस मिलता है तो। और वो गाइडेंस आप बहुत अच्छी तरह से एक स्टूडेंट को देते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 2 साल में ये हो जाएगा, 6-8 महीने में हो जाएगा। मेरा खुद का 8 महीने का है एक्सपीरियंस, तो वो आसानी से हो तो जाता अभी है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो मैं हर हर अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि 6 महीने में मैं आप लोग का गारंटी से सिलेक्शन करवा देता हूँ, तो आप उस पर स्टैंप लगा देते हो कि हाँ हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है? अच्छा अभी हाँ, बस एक एक बार सब पर ट्रस्ट करके अपना टाइम दे दो, 6 महीना, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, पर उसमें आपकी खुद की भी मेहनत और फोकस लगेगा, ठीक है। उसके अभी अलावा नहीं होगा। अभी एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने, जब आपने 2018 से किया तो आपने YouTube पे भी बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किया होगा, राइट? उससे पहले मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, और उसके बाद आपने मुझको ही फॉलो किया होगा। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आप उन्हीं टीचरों से पढ़िए जिनका एग्जाम निकला हो, क्योंकि उनका एग्जाम को देखने का जो तरीका होता है वो एक अलग होता है। तो क्या ऐसा आपको असली में फील हुआ, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जैसे हम लोग नए नए टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, या आपने त्रिशूल एडवांस की बुक ली उसमें मैंने बिल्कुल ही नए क्वेश्चन डाले हैं, तो आपको कुछ उसका बहुत इंपैक्ट लगा कि वो सिलेक्शन करवाने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और शायद उसी चीज की ना की कमी थी आपके 3-4 साल के स्ट्रगलिंग फेस में जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था? डेफिनेटली सर, जो जिसने एग्जाम निकाली है उसका एक एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि जिसने सिलेक्शन लिया है उसके एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक कैसे एग्जाम को क्रैक करें, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अगर कोई क्वेश्चन नया आता है तो उसको हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, आगे कम टाइम में कैसे लिख सकते हैं, वो एक सिलेक्शन जिसने लिया है वही बता सकता है। जिसका सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कुछ नहीं बता सकता, वो बस आपको ऐसे सिखा देगा कि चलो ऐसे करना है, लेकिन जिसने प्रैक्टिकली सिलेक्शन लिया है, ऐसे एग्जाम देखे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखे, तो वो आपको एकदम परफेक्ट गाइड कर सकते हैं आपको। ठीक है, अच्छा तो वो जिस तो फिर मैं एक चीज़ और अभी पूछा था कि जैसे आपने स्ट्रगलिंग फेस किया आपका, तो आपने स्ट्रगलिंग फेस में एक ऐसी क्या चीज़ सीखी जो आप, जो बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आप लोग, आप उसे शेयर करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपने मन में ठान लिया कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालनी है, तो बस आपका पूरा फोकस उसी में रखो, फिर दूसरा कुछ चीज मत करो। मतलब लाइक आप दूसरी जगह हथियार मार रहे हो ऐसा कुछ मत करो, गवर्नमेंट का आपने सोच लिया तो बस गवर्नमेंट की प्रिपेरेशन स्टार्ट करो, सही से गाइडेंस लो सर से, और अपनी मेहनत और फोकस से एग्जाम की प्रिपेरेशन करने लग जाओ, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा अभी एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्लियर करवाना चाह रहा था बच्चों को। जैसे मैं बहुत देखता हूँ कि बच्चे बहुत उदास रहते हैं कि यार 2 वैकेंसी आ रही है, 4 वैकेंसी आ रही है, बच्चे एडवर्टाइजमेंट का ही वेट करते रहते हैं। तो आपके हिसाब से, जैसे आपने सिलेक्शन लिया है, आपने बीटेक करके आपने जो PGVCL में सिलेक्शन लिया गुजरात में, वो बहुत हाईएस्ट पोस्ट पर जो बीटेक से मिलता है, यही मिलता है गुजरात में खाली, तो आप ऐसे बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं कि क्या उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए वेट करना सही है कि नहीं चाहिए, या इतनी कम कम वैकेंसी आ रही है तो बच्चा घबरा जाता है? इसका मतलब तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को अपनी जो मेहनत है उसके ऊपर भरोसा नहीं है बच्चों को। नहीं, आप एडवर्टाइजमेंट की वेट मत करो कि एडवर्टाइजमेंट आ जाने के बाद कितनी वैकेंसी है, उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। एडवर्टाइजमेंट आएगी और उसके 3 महीने में तो एग्जाम भी खत्म हो जाएगी, तो आप बेटर है कि आपको पहले से, आपका अगर गोल यही है कि गवर्नमेंट एग्जाम करनी है, क्रैक करनी है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपेरेशन। जब भी एडवर्टाइज आएगी हमारी प्रिपेरेशन रेडी होगी, तब हमें सिर्फ रिविजन ही करना है, और हमें तो सिर्फ बस एक ही सीट चाहिए, चाहे कितनी भी वैकेंसी आए, 5 आए, 6 आए या फिर 1 आए, हमें तो एक ही चाहिए बस। ठीक, तो अभी हमारी अंदर प्रिपेरेशन रहेगी तो हमें कंपटीशन से कोई डर नहीं रहेगा। अगर हमारी प्रिपेरेशन वीक है तो हमें शायद 100 वैकेंसी भी आ जाएगी, हमें डर रहेगा कि नहीं होगा हमारा। अच्छा, तो बेटर यही है कि आप अभी से स्टार्ट कर दो अच्छा प्रिपेयर। अभी एक क्वेश्चन और था मेरा जो बच्चे पूछे थे, न्यू क्वेश्चन जो हम, मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसका क्या रोल रहा है आपका स्ट्रगलिंग फेज को हटाने में, या एक तरीके से हम लोग ने कट ऑफ किया जो, तो जो हम नए टाइप के जो क्वेश्चन करते हैं उसका क्या आपका उस रोल रहा है? अभी गवर्नमेंट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो अभी ऐसा नहीं है कि पहले जो पिछले 10 साल के पेपर है उसी में से रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो हर साल नए नए क्वेश्चन आ रहा है, और उस हिसाब से हमें देखा जाए तो पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत नहीं है। अभी जो सर करवा रहे हैं जो थियरी के हिसाब से, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, उसी में से क्वेश्चन आ सकता है। तो सर के मतलब पढ़ाने की मेथड यही है कि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, और चाहे कितने भी नए क्वेश्चन निकालो, सर की मेथड से आप आसानी से वो क्रैक कर सकते हो वो क्वेश्चन। ठीक, अच्छा अभी एक चीज़ और, जो बच्चे आने के बाद क्या करते हैं, वो सीधा
मतलब कंसेप्ट को नहीं पढ़ना चाहते, वो खाली क्वेश्चंस करना चाहते, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या एडवाइस है? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन करना सही है कि पहले सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए? क्योंकि मैं हमेशा ये बताता हूँ कि अगर आप सिलेबस को एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन आपके 10 कम प्रैक्टिस होंगे, वो चल जाता है, क्योंकि कंसेप्ट से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप क्वेश्चन भी 10,000 प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी ये कोई जरूरी नहीं कि 11,000 क्वेश्चन बनेगा तो आप सॉल्व कर देंगे। तो इससे आप एग्री करते हैं या कुछ सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को? हमें कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर होगा तो चाहे कहीं से भी क्वेश्चन निकल के देंगे, हम वो करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आसान आसान का क्वेश्चन भी हमें क्लियर नहीं होगा हमारे से। तो बेटर ये है कि आप पहले कंसेप्ट करो, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच्चों को क्लियर कीजिए, जैसे आपने OCMTQ बैच में एनरोल किया था, राइट? अब OCMTQ बैच में आपको 160 170 वीडियोस ही देखने को मिली, इसमें टेक्निकल भी थी और नॉन टेक्निकल की वीडियोस थी। क्या वो वीडियो सफिशिएंट थी आपके एग्जाम को उसे क्लियर करवाने में, रेदर देन कि किसी दूसरे का आप पूछ लेते तो उसमें आपको 1,000 वीडियोस मिल जाती, 2,000 वीडियोस मिल जाती, तो आपको क्या सही लगा? वो आपको वीडियो सफिशिएंट लगी थी पूरी? उसके अंदर ऐसी कुछ कमी लगी थी कि मुझको और इंप्रूव करना चाहिए था, या मैंने कुछ पार्ट नहीं दिया उसके अंदर, या बच्चा उसके ऊपर कंप्लीटली रिलाई कर सकता है? जो भी नया बच्चा आ रहा है, जो आपकी वीडियो देख रहा है और जो OCMTQ बैच को एनरोल करेगा, क्या उसके ऊपर कंप्लीटली कुछ रिलाई कर सकता है? या सर, आपका जो कंटेंट है वो मोर देन इनफ है हमारे सब एग्जाम के लिए। आप कंटेंट की लेंथ पर मत जाओ, कंटेंट कैसा है उस पर जाओ, क्योंकि वो जो लेंथ जितनी ज्यादा है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमें यूजफुल ही होगा। काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि जो हमारे एग्जाम के एग्जाम ओरिएंटेड के है ही नहीं। तो सर जो पढ़ाते हैं वो एकदम टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, तो उसका कंटेंट शॉर्ट रहता है, लेकिन कंटेंट की जो क्वालिटी है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी एकदम सही है, तो आप ऐसा मत सोचो कि इसका कंटेंट शॉर्ट है तो इसमें कुछ नहीं होगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके। ठीक है। अभी तो मैं एक क्वेश्चन लास्ट बार आपसे पूछूंगा कि जो भी बच्चे जो 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनका जो अभी जिन्होंने अभी तक स्टार्ट किया, उनके पास क्या श्योर शॉर्ट तरीका होना चाहिए सिलेक्शन लेने का 6 से 7 महीने में अकॉर्डिंग टू यू? सबसे पहले तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप एग्जाम में सब क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते, और एग्जाम में ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लो और जो सर की बुक है उसका प्रैक्टिस कर लो, बस आपका कॉन्सेप्ट है। ऐसे CMTQ बैच आप डेफिनेटली एनरोल करो, उसी में बहुत मतलब आपको जो सर टेस्ट लेते हैं एप्लीकेशन में या फिर जो क्वेश्चन देते हैं उसमें डिस्कशन होता है जो ग्रुप है OCMTQ का, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे, तो वो आप डेफिनेटली एनरोल कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपने वो सही सपोर्ट किया तो। ठीक है। अच्छा, अभी क्या आप यहाँ पे लास्ट में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब JEE स्कोरर, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा है, चाहे वो JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो AE की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसको निकालना है एग्जाम तो वो 6 से 7 महीना टाइम JEE स्कोरर को दे सकता है डेफिनेटली? आंख बंद करके आप टाइम दे दो और अपनी मेहनत करो, बस आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आज का जो हमारा इंटरव्यू था वो अभी के साथ था, अभी PGVCL में JEE के पोस्ट पे हैं, पश्चिम गुजरात विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हैं, और अभी ने बीटेक का रखा है तो गुजरात में बीटेक के थ्रू ही JEE बनते हैं, और अभी का आगे का प्लान अभी UPPCL में SDO बनने का है जो मैंने बात की थी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अभी ने किस हिसाब से अपने स्ट्रगलिंग फेस को कम किया, और कम क्या क्या बिल्कुल ही एंड किया, और शायद अगर अभी किसी और दूसरे टीचर के चक्कर में पड़ते तो शायद इनका स्ट्रगलिंग फेस और बढ़ सकता था, या ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना ही क्विट कर देते। अभी आपका शुक्रिया, और आपने अपना टाइम दिया और बच्चों को बताया कि बच्चे कैसे अपना स्ट्रगलिंग फेस को कम कर सकते हैं।